ये है आपके सामने मीटर ब्रिज, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन या उसके बेस पर बना एक डिवाइस। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि डेफिनेशन, यू कैन से इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लोग बोल सकते हैं कि मीटर ब्रिज इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। वही बात है जो व्हीटस्टोन ब्रिज पे हमने बात करी, ये बात वही है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड था और ये डिवाइस है जो उस मेथड पर काम करता है। बात समझ में आ गई? तो मीटर ब्रिज इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। फाइन, वही सेम प्रोसीजर होगा। चार अननोन रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंसेस होंगे, तीन नोन होंगे, एक की वैल्यू हम निकालेंगे। यार थोड़ा बहुत एडवांसमेंट या मॉडिफिकेशन जो है वो भी हम लोग देखेंगे। हालांकि मीटर ब्रिज आप लोगों के स्कूल में प्रैक्टिकल में काफी इंपॉर्टेंट अहमियत रखता है, काफी काफी मेन टॉपिक है आपका। एक्सपेरिमेंट वाइज यदि देखा जाए तो मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। फाइन, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि होगा प्रिंसिपल। अब इसमें हमें बार बार बताने की जरूरत है नहीं कि इसका प्रिंसिपल होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज अपने आप में एक प्रिंसिपल है, अपने आप में एक मेथड है। तो यू कैन से दैट द प्रिंसिपल इज व्हीटस्टोन ब्रिज। आप बोल सकते हैं कि इसमें क्या, एट बैलेंस्ड कंडीशन पी बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस और आर वन बाय आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाय आर फोर। फाइन, अब चलेंगे इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ या डिस्क्रिप्शन हम बोले। चलिए हम लोग कर रहे हैं मीटर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन या बोले डिस्क्रिप्शन, अभी डायग्राम प्रोसेस में ही है। देखिए ये आपका जो है, ये है वुडन बोर्ड। जो लोग, जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल करेंगे अपने स्कूल में, उनको ये पता होगा कि वुडन बोर्ड एक बेस की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो बेसिकली इंसुलेशन के लिए हमने रखा है। और ये है हमारी कॉपर स्ट्रिप्स। कॉपर स्ट्रिप्स हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर में भी इस्तेमाल करी है, कंडक्शन के लिए इस्तेमाल करी है। हम लोग इनको कंडक्टिंग स्ट्रिप्स भी बुला सकते हैं, कंडक्टिंग या कंडक्शन स्ट्रिप्स। फाइन, अब इन स्ट्रिप्स की हेल्प से दो एल शेप की और एक फ्लैट, मैंने गैप तैयार किए हैं। एक गैप है ये और एक गैप है ये। जरा कुछ नाम दे देता हूं मैं पॉइंट्स के। इधर हमने रखा, इस पॉइंट का नाम दिया है ए, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी और इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं सी। कोई प्रॉब्लम? होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज योर सी। ए और बी के अक्रॉस आप लोग एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। मान लीजिए ये वो रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब इस गैप के अक्रॉस, जो ये दूसरा गैप है बी और सी के अक्रॉस, हम बोल सकते हैं हम लोग एक दूसरा रेजिस्टेंस लगाते हैं, जो कि एक रेजिस्टेंस बॉक्स होगा। बेसिकली रेजिस्टेंस बॉक्स का यहां पर सिर्फ इस्तेमाल ये है कि हम एक नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस यहां पर लगाते हैं। फाइन, ये आप लोगों को जाके लगाना होता है, सेटअप आपको ऐसे मिलता नहीं है। आप रेजिस्टेंस बॉक्स भी अपनी तरफ से कनेक्ट करते हैं और अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको मेजर करनी है वो भी आप कनेक्ट करते हैं। आपको जो बेस मिलता है वुडन बोर्ड पे कॉपर स्ट्रिप्स मिलती है और ए और सी के बीच में आप लोगों को मिलती है एक वायर। इस वायर को हम लोग थोड़ा सा ब्लू से शेड कर देते हैं ताकि हम लोगों को ध्यान रहे कि एक वायर है और इस वायर की लेंथ है 1 मीटर, इसीलिए मीटर ब्रिज बोल रहे हैं। 1 मीटर दैट इज 100 सेंटीमीटर। फाइन है, आपने नीचे एक स्केल भी लगाई हुई है जो इसकी लेंथ को मेजर कर सकती है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब बी से आपने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हुए जो कि रखी हुई है ताकि आप इस वायर पे स्लाइड कर सके, जो कि यानी कि आप जहां चाहें, आपने इधर दिया तो कंडक्शन इधर से स्टार्ट होता है, आपका यहां सर्किट होगा, आपने यहां ज्योति को टच किया तो आपका सर्किट कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। तो देखिए जिस पॉइंट पर, मान लीजिए मैंने इस पॉइंट पर ज्योति को लाके कनेक्ट किया है तो इस पॉइंट का नाम होता है डी। अब कंस्ट्रक्शन आप लोगों के सामने है, इसका डायग्राम आप लोगों के सामने है, जरा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज के कैसे आइडेंटिकल है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। वुडन बोर्ड था जिसपे कॉपर स्ट्रिप्स लगाई हुई थी, कॉपर स्ट्रिप्स में हमने कुछ नेमिंग करी ए बी सी। अब ए और बी के क्रॉस आपने एक रेजिस्टेंस लगाया जिसकी वैल्यू आप लोग निकालना चाहते हैं, फिर आप लोगों ने
बी और सी के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जहां से आप नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस देंगे, ए और सी के बीच में एक वायर है और ये वायर जो है वो रेजिस्टेंस वायर है। कैसी वायर है? रेजिस्टेंस वायर है, यानी कि वायर का ऑब्वियसली बात है अपने रेजिस्टेंस होने वाला है, इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा हाई होगा, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है या हम यूं कहेंगे 1 मीटर है। इसके नीचे आपने एक मीटर स्केल भी लगा रखी है ताकि जिससे आप जब चाहे जिस पॉइंट पर चाहे वो लेंथ निकाल सकते हैं। फाइन, अब जरा ये आप लोगों के सामने है व्हीटस्टोन ब्रिज और ये है मीटर ब्रिज, इन दोनों के बीच में देखिए रिलेशन आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिकल क्या है, देखिएगा जरा ए और बी के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस है, ए और बी के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस है, बी और सी के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस है, बी और सी हमारा कहां है, यहां है, बी और सी के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस है। फाइन, अब देखिएगा जरा बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर है, बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर है, अब ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस होगा, ए और इस डी पॉइंट के बीच में इस वायर का रेजिस्टेंस होगा, सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस होगा, सी और डी के बीच में इस वायर का रेजिस्टेंस होगा, बचा तो सिर्फ क्या ए और सी के बीच में बैटरी, तो वो बैटरी भी हम लगा देते हैं, ए और सी के बीच में आपने लगानी है बैटरी विद योर की विद योर वेरिएबल रजिस्टर, ए और सी के बीच में ये आपका कनेक्शन तैयार। फाइन, अब आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा ए और बी, बी सी, ए डी, सी डी, बी डी, ए सी के बीच बैटरी, सब कुछ है यहाँ पर, ए डी के बीच रेजिस्टेंस है, बी सी के बीच रेजिस्टेंस है, ए डी के बीच रेजिस्टेंस है, सी डी के बीच रेजिस्टेंस है, बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर भी है और ए और सी के बीच में बैटरी भी है। कंस्ट्रक्शन होपफुली आप लोगों को क्लियर हुई होगी, अब चलते हैं जरा इसकी वर्किंग की तरफ।